हाय फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शिवशक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर और हम आपको पढ़ा रहे हैं वॉइस। इस सीरीज में उन्हें बहुत सारे मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, मॉडल का लगा कि मैं थोड़ा सा फिर रिवीजन कर देता हूँ। यदि मॉडल हमारा प्रेजेंट में है मॉडल, तो क्या लगा के करना है आपको, बी। और यदि हमारा पास्ट में है तो बी डबल एन बीन, ठीक है। मतलब यदि प्रेजेंट में है तो बी और पास्ट में है तो बीन। चलिए देखते हैं, जैसे है यू, फिर कैन, फिर गिव और फूड। तो किसी भी मॉडल का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, जैसे कैन है तो कैन बी, ये है ना, कैन बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। फ्रेंड पूरे हमने इसमें कैन है तो कैन बी, शुड है तो शुड बी, वुड है तो वुड बी, मस्ट है तो मस्ट भी, ऐसे लिखते रहना। और पूरे वॉइस के कंसेप्ट में शुरुआत किससे होती है, ऑब्जेक्ट से, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट हमेशा लगा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, फूड, फिर कैन है तो कैन बी, और फिर गिव का थर्ड फॉर्म गिवन बाय, और फिर हो जाएगा आपका यू। तो फूड कैन बी गिवन बाय यू, ये इसका पैसिव वॉइस है। दूसरा हमने लिखा वी, फिर हो जाएगा मस्ट, फिर सेव वाटर, हमें पानी बचाना ही चाहिए। तो इसका हम पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाटर, फिर मस्ट है तो मस्ट वी, और फिर सेव्ड, फिर बाय अस। तो वाटर मस्ट बी सेव्ड बाय अस, राइट। अगला थर्ड नंबर है हमारा दे, फिर यूज टू, फिर गिव, फिर है ट्वाइस, दे यूज टू गिव ट्वाइस। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही वाला कंसेप्ट रहेगा, क्या रहेगा, ट्वाइस, फिर यूज्ड टू बी, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन बाय, और फिर दे का देम। तो ट्वाइस यूज टू बी गिवन बाय देम। तो ये मॉडल का कौन सा वाला है, प्रेजेंट, जिसमें आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। तो इसमें कैन है तो कैन बी, शुड है तो शुड बी, मस्ट है तो मस्ट बी, और यूज टू है तो यूज टू वी, फाइन। चलो अगला देखते हैं, जब हमारा पास्ट में रहता है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, बी डबल एन बीन, मतलब यदि सब्जेक्ट प्लस शुड हैव है, क्या रहेगा हमेशा, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट में रहेगा, किस में रहेगा, पास्ट में। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस, फिर शुड है तो शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, ये आपको बीन लगाना परफेक्ट वाला, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर है दे, और फिर है मस्ट हैव, और फिर है गिवन फूड। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, बिल्कुल लेना है ना, इसको देखना ज़रूर। तो इसका हो जाएगा फूड, फिर मस्ट हैव बीन, गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन बाय देम। तो ध्यान रखें, प्रेजेंट में रहेगा सभी में बी, और पास्ट में रहेगा तो बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, माइट हैव बीन। अगला ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस। नेक्स्ट से भी हमारा सेंटेंस है आई माइट हैव गिवन बुक्स, आई माइट हैव गिवन बुक्स। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा, सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा बुक्स, फिर माइट हैव बीन, और फिर गिव का थर्ड फॉर्म गिवन बाय मी। तो क्या हो जाएगा, बुक्स, फिर माइट हैव बीन गिवन बाय मी, ये हो गया। अब इसी में आपका हम एक छोटा सा और यूज़ पढ़ाएंगे, और फिर अगले वीडियो में शॉर्ट शॉर्ट बनाने का मतलब ये होता है ताकि आप बोर ना हो, चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। अगला जैसे इम्परेटिव सेंटेंस जब होता है, इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम क्या लगा के बनाते हैं, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गिव फूड है तो लेट फूड बी गिवन, मेक ट्वाई है तो लेट ट्वाई बी मेड।
पर मान लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज से चालू हो, जैसे हमने कहा प्लीज और फिर हो जाएगा गिव मनी, प्लीज गिव मनी। तो ऐसे सेंटेंस में जब प्लीज लगा हो तो तीन सेंटेंस आपको रट के रखना है, कौन कौन सा, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, दूसरा कौन सा हो जाएगा यू आर फिर ऑर्डर्ड फिर टू, और नेक्स्ट हो जाएगा यू फिर आर एडवाइज्ड टू, कौन कौन सा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू और यू आर एडवाइज टू। तो जैसे हमने कहा प्लीज गिव मनी, अब हम किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो कौन सा होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू और फिर ये हटा के हो जाएगा गिव मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मनी। मान लो मैंने कहा प्लीज, ये हमारा पैसिव वॉइस है फर्स्ट वाले नंबर का। फिर दूसरा आपने कहा प्लीज सेव वाटर, प्लीज सेव वाटर, कृपया पानी बचाएं, ये हमारा एडवाइस है चाहे जो जिससे भी बोल रहा है, तो इसमें क्या लगना चाहिए एडवाइस, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, लिख देंगे यू आर फिर एडवाइज्ड फिर टू और ये हटा के सेव वाटर। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस रहेंगे तो क्या लगाना है आपको, इंपरेटिव सेंटेंस रहेंगे तो क्या लगाना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू और यू आर एडवाइज टू। और इसके पहले हमने किस पे डिस्कस किया, मॉडल प्रेजेंट में हो तो आपको लगाना है वी और पास्ट में हो तो आपको लगाना है बी डबल एन बीन। इसी तरह डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो तो, डबल ऑब्जेक्ट हो तो, और भी बहुत सारे वीडियो हों। तो वॉइस के अभी हमने एडवांस में तीन चार वीडियो बनाए हैं जिसमें दो दो तीन तीन हमने वॉइस समझाने की कोशिश करी है, एक साथ बहुत सारा पढ़ भी लेंगे ना तो कन्फ्यूजन होगा, दो एक दिन में सिर्फ दो वॉइस क्लियर करें, फिर अगला दो, फिर अगला दो, थैंक यू। तो चीज़ें आई थिंक समझ आई होगी, ओके।